सब एकदम ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने मंगवाया था, ये मेरे पास कैम है SJ6 लेजेंड, इसके लिए मैंने अडॉप्टर मंगवाया है। ये आज मेरे पास कोरियर हुआ है, और एक मैंने अमेजोन से इसलिए माइक भी मंगवाया है जो इस पर यूज़ होगा। माइक तो मेरे पास ऑलरेडी था, हुआ था, पर वो मैं यूज नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी वायर बहुत बड़ी है। ये हुआ का है, इसकी वायर बहुत बड़ी वायर है इसकी, तो हेलमेट में लगाने का इतना जरूरत है नहीं, ये भी लग जाता तो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ा मेरे को। जो ये है मैंने ओपन कर दिया था कल आया था, तो आपको ये माइक है और वायर है इसकी, सामने एक पिन भी आती है ऑडियो वगैरह उसके लिए, और एक एक्स्ट्रा लैंप भी आता है। और ये अडॉप्टर है जो मैंने मंगवाया है। अगर आपके पास भी आप यही कैमरा यूज़ करते हो SJ6 लेजेंड का, तो आपको अडॉप्टर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसके साथ माइक आता है वो इतना बढ़िया वर्क करता नहीं है, नॉइज में आती है। रिकॉर्डिंग करते हैं जब आप अगर घर के अंदर कर रहे हो तो उसके लिए तो सही है। अगर आप ये चीज़ आप हेलमेट पर लगा के और अपना ब्लॉग बना रहे हो, मोटो ब्लॉग बना रहे हो, तो उस पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, एकदम ही बेकार है उसका। मैंने रिव्यू पढ़े तो मुझे सारी जगह बेकार ही दिखे, कोई इसका सही था नहीं, तभी मैंने मंगवाया नहीं, नहीं तो मैं मंगवा लेता। वो काफ़ी टाइम पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बिना अडॉप्टर के ही यूज़ कर रहा था, माइक बगैर लगाए यूज़ कर रहा था। यानी कि कई बार मैं जो बात करता था वो क्लियर आती नहीं थी, मुझे माइक स्लो करनी पड़ती थी, या मैं उसकी वॉइस डबिंग करता था बाद में डालता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जैसे जहाँ ज़रूरत है बात बोलने की वो मैं बोल ही नहीं पाता था, तो मैं इसलिए ज़्यादा ब्लॉग भी बनाए नहीं मैंने इस तरह से। तो ये मैंने मंगवा लिया है, आपको दिखाता हूँ डॉक्टर कैसा है। ये पैकिंग करनी है उन्होंने, कोई ज़्यादा नहीं, और ये स्पीड पोर्ट से उन्होंने भिजवाया है, और सिंपल सा है ये, देखिए ये अडॉप्टर है। इसके साथ चार्जिंग भी ले जाएगा, इसमें खासियत ये है इसमें चार्जिंग भी लग जाएगी, हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास पावर बैंक है तो रिकॉर्डिंग करते करते हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट मुझे अच्छा लगा। तो देखते हैं कैमरा पर ऑन करते हैं हम अपना, कैमरा ऑन हो गया हमारा, और पता लगने का ये तरीका है इसके अंदर कि जब हम ये लगाएंगे तो ये बिजी शो करेगा। देखते हैं, बिल्कुल कर रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो बिजी बन के आ रहा है, तो यानी ये हमारा सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। और इसके अंदर मेन है कि साथ साथ ये इसको चार्जिंग भी करेगा, इसमें चार्जिंग का पॉइंट बना हुआ है। ये तो साथ में अपना माइक लगाते हैं, और मैं वर्क करूँगा अभी, इस पर टेस्ट भी कर लूँगा मैं आज, अगर मैं मौका मिला तो, और उसके जल्दी मैं वीडियो भी बना दूँगा कैसे इस पर वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। और इससे बैटरी आनी पहले से तो बैटरी आना चाहिए इसके अंदर रिकॉर्ड बढ़िया, इसमें तो यहाँ पे तो आवाज़ सही आ रही है, कोई मुझे नॉइस वगैरह दिखी नहीं इसके अंदर। बाकी बाइक पे क्या था, ये चलेगा वर्क करेगा, तो उसका मैं जब बाइक पे चलाऊंगा अटैच करके तो आपको उसकी भी वीडियो दिखा दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अगर आपको ये अडॉप्टर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, अडॉप्टर का भी डाल दूंगा, सॉरी माइक का भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और ये मुझे जो माइक पड़ा है ये हमारे पास 350 के अराउंड पड़ा है, और उसके लिए आप अडॉप्टर के लिए आप बात कर लीजिएगा कि आपको कितने का मिल जाए। मुझे पड़ा है आसपास 1250 के आसपास पड़ा है, आप बात कर लीजिएगा, डिस्काउंट मिल भी सकता है ना भी मिले, पर ये कॉस्ट इतनी है ही,
इसकी, तो तब के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और इसकी वॉइस चेक कराऊंगा आपको उस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।